फिर कल एक और बड़ी साजिश रचाई गई, वो जनाब फायरिंग, उनको पता है। मैंने कहा फायरिंग करने वाला पकड़ो ना, उसको पकड़ो, किसने फायर किया है, हुकूमत तुम्हारी है, ये कौन है जो तुम्हारी हुकूमत में भी फायरिंग कर रहा है। हम तो पहले कहते थे ये कौन है, लाओ उसको सामने, जो तुम्हारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हो तो गोलियां चल रही हो रात के वक्त, उनको सामने लाओ। अब तो पंजाब में तुम्हारी हुकूमत है, ये कौन है गोलियां चलाने वाले, पूछो इनसे ये कौन है, ये कहां से आते हैं। वो कहते हैं गोलियां चलाई हैं। मैंने कहा हमारा तो, हमें तो पता ही नहीं किसने चलाई हैं, ये तुम्हें पता है या उनको पता है जो छुप कर गोलियां चलाते हैं। अब वो नंगे होंगे इंशाल्लाह, और वो शैतानियां कर रहे हैं, और ये इल्जाम हमारे ऊपर धरने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा है, हमने तो ये काम उस वक्त नहीं किया जब लाशें हमारे घर में पड़ी हुई थी, ये तो काम उनका है जिनके नाम लिए जा रहे हैं। हाँ, ये काम उनके है जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिनको नंगा होना है, ये उनका वक्त है, ये उन्होंने किया है। और वो अपने इल्जाम धर कर किसी और पर ना डाले, और अच्छा हुआ उसने भी वक्त के साथ ही फौरन अपने मुलजिमों का तायुन भी कर दिया। और हम ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गोलियां मारने का मकसद क्या था, आज वो सारी बातें खोल के सामने आ गई है कि ये चाहते थे कि इनसे लड़े, हमारी लड़ाई इनसे है ही नहीं, हम तो इनको सीधी राह बताएंगे, हम जहां ये गलती करेंगे वहां इनकी गलती की निशानदेही करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो तुम चाहते हो हम वो करें, हम वो नहीं करेंगे। बाबा जी फरमाते सन, ओए झले आए कौन, साडी लड़ाई तो ट्रंप दे नाल है, साडी लड़ाई तो कुफर दे नाल है, साडी लड़ाई हर उस शख्स नाल है जड़ा पाकिस्तान नु तोड़ना चाहता, जड़ा इस्लाम नु नुकसान पहुंचाना चाहता।